हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ भरवा पर्वत। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। परवल का भरवा बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। परवल, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, साबुत जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जीरा और आमचूर पाउडर, तेल। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परवल को छील लेते हैं। हल्का हल्का हमें इसे चाकू से कुरचना है। और इसके दोनों किनारों को हम कट कर लेंगे। सारे परवल को हम इसी तरह से छील के और काट लेते हैं। सारे परवल को हमने छील के और इसके आगे पीछे के भाग को हमने काट दिया है और अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। परवल को हमने धो लिया है और अब हम इसे चाकू से एक तरफ का भाग को हल्का हल्का कट कर देंगे। ये हल्का सा हमने इसमें कट लगा दिया है। बाकी के बचे हुए परवल को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। एक तरफ से जुड़ा रहना चाहिए और एक तरफ से हमें कट लगानी है। इस तरह से हम परवल को काट लेंगे। सारे परवल को हमने काट लिया है। अब हम एक पतीला लिए हैं, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। हम इसमें परवल को डाल देते हैं और इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब हम इस परवल को गैस पे चढ़ा दिए हैं और इसे हम ढक देते हैं और इसे हम उबाल लेते हैं। अभी हम परवल को चेक कर लेते हैं। परवल हमारा हो चुका है, गैस को अब हम ऑफ कर लेते हैं। हम परवल को निकाल लेते हैं। ध्यान से निकालें, ये बहुत गर्म है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। परवल हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा खोल के और एक छोटा सा चम्मच लेंगे और इसके अंदर का बीज हम निकाल लेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज डालते हैं जार में, लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। ढक्कन बंद कर लेते हैं और अब हम इसे एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, मसाला पीस के हमने तैयार कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी जार में टमाटर को डालेंगे और ढक्कन बंद करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। टमाटर को भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और अब हम इसमें तेल को डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं, जीरा। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। जीरा और तेज पत्ता हमारा भून चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज भी हमारा भून चुका है और अब हम इसमें प्याज का जो पेस्ट तैयार किए थे उसे डाल देते हैं। अब हम इसे भी भून लेते हैं। प्याज हमारा भून चुका है और अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड कर देते हैं।
लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और मसाला को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम परवल में इसे भर लेंगे। परवल में हमने मसाले को भर दिया है और बाकी के बचे हुए परवल में भी हम इसी तरह से मसाले को भर लेंगे। सारे परवल में हमने मसाला भर के तैयार कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पे हमने एक पैन को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें परवल को डालेंगे। अब हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। परवल हमारा एक एक तरफ से फ्राई हो चुका है और हम इसे पलट दिए हैं और दूसरे तरफ से भी हम इसे सेक लेते हैं। परवल हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो भरवा परवल को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ग्रेवी बनाऊंगी। वापस से हम एक गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा भी हमारा भून चुका है तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अभी इसे हम भून लेते हैं। टमाटर भी हमारी भून चुकी है, अब हमने जो भजा के लिए मसाला तैयार किया था उसे डाल देते हैं। टमाटर में इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नमक को आप हिसाब से डालें, क्योंकि हमने परवल को उबालने के टाइम भी डाला था और मसाला जो हमने भुना था उसमें भी दिया, इसलिए ग्रेवी में ध्यान से नमक दें। और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। अब हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी को अच्छी तरह से मसाला में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे एक उबाल आने तक पका लेते हैं। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गई है और अब हम इसमें परवल को डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। बस हमारा भरवा परवल तैयार है और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा भरवा परवल और इसे आप रोटी या चावल पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा भरवा परवल बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।